हाय दोस्तों, आज हम मार्केट में अवेलेबल टॉप 10 बेस्ट सेलिंग डायपर्स का एब्जॉर्बेंसी टेस्ट करने जा रहे हैं, ताकि आपको ये टेस्ट ना करना पड़े और आप अपने बेबी के लिए बेस्ट डायपर चूज कर सकें। इस टेस्ट के लिए मैंने ये 10 डायपर लिए हैं, जिसमें मेरे पास है हगीज, लव लैप, हिमालय, डाबर, बमटम, लिटल्स, मैमी पोको पैंट्स, पैम्पर्स ऑल राउंड प्रोटेक्शन, पैम्पर्स प्रीमियम और सपल्स। हम अपने टेस्ट में इन सभी डायपर्स में इक्वल क्वांटिटी में वाटर डालेंगे और टेस्ट करेंगे कि इनमें से कौन सा डायपर सबसे ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करता है और फूलता नहीं। इस टेस्ट के बाद हम इन सभी डायपर्स को रैंक करेंगे। मैं बताना चाहूँगी कि यह एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मेरा मकसद किसी भी ब्रांड की रेपुटेशन को बढ़ाना या कम करना नहीं है। मैं भी आपकी तरह एक पेरेंट हूँ जो अपने बेबी के लिए बेस्ट प्रोडक्ट लेना चाहती हूँ। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने इन सभी डायपर्स को ओपन कर लिया है। अब हम इनमें इक्वल क्वांटिटी में पानी डालेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा डायपर कितना एब्जॉर्बेंट है। इसके लिए मैंने ये 100 ml का एक कप लिया है, जिससे हम सेम क्वांटिटी में इन सभी डायपर्स पे पानी डाल पाएं। उसके बाद हम इस टिश्यू की हेल्प से टेस्ट करेंगे कि हमारा डायपर कितना एब्जॉर्बेंट है। तो चलिए राउंड 1 शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं सभी डायपर्स पे पानी डालूंगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राउंड 1 कंप्लीट हो गया है। अब टेस्ट करते हैं कि कौन से डायपर ने कितना पानी अब्सॉर्ब किया। तो यहाँ मैंने बमटम पे टिश्यू पेपर रख दिया है और आप देख पा रहे हैं ये पूरी तरह ड्राई है। नेक्स्ट अब हम डाबर वाले डायपर पे टिश्यू पेपर रखेंगे और आप देख पा रहे हैं ये भी ऑलमोस्ट ड्राई है, साइड से थोड़ा सा वेट हुआ है। अब हम लिटल्स वाले डायपर पे टिश्यू पेपर रखेंगे और देखेंगे तो यहाँ पे भी एक हल्की सी ड्रॉपलेट या मॉइस्चर हमें दिख रहा है। अब हम सपल्स वाले डायपर पे टिश्यू पेपर रखेंगे और इसने अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। यहाँ पे हम लव लैप वाले डायपर पे टिश्यू पेपर रखेंगे और जैसा आप देख पा रहे हैं ये हल्का सा मॉइस्ट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने अपने हगीज वाले डायपर पे टिश्यू पेपर रखा है और आप देख पा रहे हैं ये भी थोड़ा मॉइस्ट हुआ है। यहाँ पे ये हमारा हिमालय वाला डायपर है, जिस पे हम ये टिश्यू पेपर रख रहे हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल ड्राई है। नेक्स्ट हमने यहाँ पैम्पर ऑलराउंडर पे ये टिश्यू पेपर रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हल्का सा मॉइस्ट हो गया है। नेक्स्ट हमने यहाँ मैमी पोको पैंट्स पे टिश्यू पेपर रखा है और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा टिश्यू बिल्कुल ड्राई है। फाइनली यहाँ हमने पैम्पर्स प्रीमियम पे टिश्यू पेपर रखा है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भी ऑलमोस्ट ड्राई है। दोस्तों, एक फुल टाइम जॉब के साथ मैं वीकेंड्स पे बड़ी मेहनत करके आपके लिए ये वीडियोस बनाती हूँ, बट आप में से मैक्सिमम लोग मेरे वीडियोस देखते तो हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका ये छोटा सा एक्शन मुझे बहुत इनकरेज कर सकता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपने अभी सब्सक्राइब किया है या पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए ऐसे क्वालिटी वीडियोज़ बनाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, अब हम राउंड 2 की तरफ बढ़ते हैं और एक बार फिर से ये वाटर सॉल्यूशन इन सभी डायपर्स पे डाल के टेस्ट करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और 5th time इन सभी डायपर्स को एक बार और टेस्ट करते हैं। तो अब मैं फिर से एक बार इन सभी डायपर्स में 100 ml पानी डालूंगी। तो ये हमारा 5th round कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं कि कौन से डायपर ने कितना पानी अब्सॉर्ब किया।
बमटम वाला डायपर हमारा पूरा वेट हो चुका है। डाबर का डायपर अभी इतना वेट नहीं हुआ है, लिटिल्स का डायपर कंप्लीटली वेट हो गया है, सपल्स का डायपर अभी भी काफी ड्राई है, लवलैप का डायपर भी काफी वेट हो गया है, हिमालय का डायपर बहुत ही कम वेट हुआ है, पैंपर्स ऑल राउंड काफी वेट हो गया है। मैमी पोको पैंट काफी कम वेट हुआ है और हगीज प्रीमियम भी काफी कम वेट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ हमारा राउंड 5 कंप्लीट हो गया है और इन सभी डायपर्स में हमने 500 ml पानी डाल दिया है और इस राउंड के बाद रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। तो 10th पोजीशन पे है बमटम बेबी डायपर पैंट्स, 9th पोजीशन पे है लिटिल्स कॉम्फी बेबी पैंट्स, 8th पर है लवलैप पैंट्स स्टाइल बेबी डायपर, 7th पोजीशन पे है पैंपर्स ऑल राउंड प्रोटेक्शन पैंट्स, 6th पोजीशन पे है हिमालय टोटल केयर बेबी पैंट्स, 5th पर है हगीज कंप्लीट कंफर्ट वंडर पैंट्स, 4th पर है सपल्स प्रीमियम डायपर्स, 3rd पोजीशन पर है डाबर बेबी सुपर पैंट्स, 2nd पोजीशन पे है मैमी पोको पैंट्स एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब बेबी डायपर्स और 1st पोजीशन पर है पैंपर्स प्रीमियम केयर पैंट्स स्टाइल बेबी डायपर्स। दोस्तों ये टेस्ट करने के लिए मैंने इन सभी डायपर्स के लार्ज साइज वेरिएंट को यूज किया है। मैं ये बताना चाहूंगी कि इस टेस्ट में हमने सभी डायपर्स की एब्जॉर्बेंसी को टेस्ट किया है, लेकिन एक अच्छे डायपर को चूज करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान देना चाहिए, जैसे डायपर का मटेरियल कितना सॉफ्ट है, कहीं उससे हमारे बेबी को रैशेस तो नहीं होते, डायपर की कॉस्ट क्या है, डायपर की फिटिंग कैसी है, कहीं वो लीक तो नहीं होते, और कौन से डायपर में हमारा बेबी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन सभी पैरामीटर्स को इंक्लूड करके बेस्ट डायपर्स कौन से हैं, तो इस टॉपिक पे मैं जल्द ही एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।